हेलो बच्चा लोग, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं अपने आज छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्लानी की क्लास 10 की छोटे छोटे बच्चों के लिए चैप्टर 1 का मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 यानी कि कुछ बुक्स में जो चैप्टर 1 है वो कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और कुछ बुक्स में क्या है जो चैप्टर 1 है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। तो मैं सबको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही चैप्टर है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट के, छोटे छोटे बच्चों के लिए। अभी तक मैंने करंटली क्या किया, जो चैप्टर वन था क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आप लोगों को तो नहीं पता होगा बट कोई दिक्कत नहीं है। जो चैप्टर 1 था वहां पर इसको फिनिश किया, तो मेरे दिमाग में आया कि क्लास 10 का जो बच्चे होंगे, चाहे वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हों, वो क्या कर चुके होंगे इस चैप्टर को। आई थिंक मुझे लगता है किसी न किसी तरीके से यूट्यूब चैनल के तरीके से, या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कोई भी एजुकेटर जो आपको पढ़ा रहा होगा, ठीक है, अच्छे समझा रहा होगा, वो इस चैप्टर को क्लियर कर दिया होगा। तो इट मे भी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम ना कराया गया हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज ना कराया गया हो। तो आज मैं क्या करूंगा, कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, यानी कि कंप्लीट चैप्टर को लेकर के मैं उसके थ्योरी को क्या करूंगा, बीच बीच में क्लियर करता रहूंगा, और उसी से रिलेटेड मैं क्या करूंगा, आज एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करूंगा। तो ठीक है बच्चों, क्लास के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है भैया, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं कॉन्सेप्ट वाले, और इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल के भी वीडियो आएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पीडीएफ नोट्स, यानी कि सब कुछ मिलेगा आपके इस चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने क्या किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक बात और, बेल आइकन जो बना है ना उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको पता चला आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस नहीं किए, तो कोई भी वीडियो से अपडेट होगी, जैसे अपलोड होगा बच्चों, तो वो आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या करिए, दोनों काम करिए, सब्सक्राइब करने पे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, यू आर माई फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सब्सक्राइब जैसे क्लिक कर देंगे ना, अच्छा लगने लगता है खुद। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट। इस चैनल का मोटो बच्चों यही है, मैं कुछ बातें पहले आपको बता दे रहा हूँ आज इस वीडियो में। इस चैनल का मोटो ये है कि आपको यहाँ पर जो भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मिलते हैं वो डीपली कॉन्सेप्ट मिलते हैं, रटने वाला काम नहीं, रट्टा फिक्सन नहीं चलेगा यहाँ पे इस चैनल पे, डीपली कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल, और फिर प्रैक्टिकल भी होगा आपको, मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि ये देखिए प्रैक्टिकल कैसे होता है, लाइट के प्रैक्टिकल क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकल में वैसे देखोगे एक्टिविटी करने के लिए तो प्रॉब्लम आया होगा, बट डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं, अगर आप इस चैनल के साथ एक मेंबर हो गए हैं, इस फैमिली का सदस्य हो गए हैं, तो आपको 100% कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सो ओके बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास बुक हो गया एनसीईआरटी का, तो मैं क्वेश्चन राइट नहीं करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन राइट करने पर बहुत ज्यादा टाइम लॉस होता है, ठीक है, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता है मेरे लिए वीडियो को लंबा करना, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि कम वर्ड में ज्यादा बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को सिखा दूं, ज्यादा भौकाल ना बनाऊं कि बड़ा बड़ा लेक्चर बनाऊं, ज्यादा थ्योरी राइट किया जाए, ऐसा नहीं, छोटे से लेक्चर में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्या कर जाओ, क्लियर कर जाओ, वही अपना चैनल का मोटो है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, आपके पास बुक होगा, आपको पता ही होगा, मैं क्वेश्चन को बोलूंगा, आपके पास बुक है मैं जानता हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन को बोलूंगा अर्ली, उसको आप समझेंगे, इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, सो लेट स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। बहुत ध्यान समझिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, यानी कि कुछ मटेरियल है वो फर्स्ट वाटर गिवन है, सेकेंड गिवन है ग्लास,
सेकंड गिवन है ग्लास, और जो सी वाला है वो है प्लास्टिक, और जो थर्ड है स्टूडेंट वो क्या है क्ले। मैं आपको समझाना चाहता हूं ठीक है क्वेश्चन को, सबसे पहले फिर से करेक्ट, इसमें से कौन सा मटेरियल है, वो ग्लास है, प्लास्टिक है, वाटर है, और क्या है आपके पास क्ले है। इसमें से मैं क्या कर सकता हूं कि इस मटेरियल का लेंस नहीं बना सकता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इसमें से आप किससे लेंस नहीं बना सकते हो, तो स्टूडेंट आप वाटर से भी लेंस बना सकते हो, आपको पता होगा, ग्लास से भी बना सकते हो प्लास्टिक से, लेकिन क्ले जो होता है आप समझ सकते हैं मिट्टी, तो उससे कभी आप लेंस नहीं बना सकते हो ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर जो आप डी, तो डी होगा उसका क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, इससे क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, बट डी वाले से नहीं बना सकते। योर आंसर यू आर क्ले ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन मैं देखता हूं, क्वेश्चन सेकंड, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, बात कर रहा है बच्चों कॉनकेव मिरर की। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है ऐसा मिरर है जिसके आउटर सरफेस पे पॉलिश होता है बट इनर सरफेस पे पॉलिश नहीं होता है, यही होता है कॉनकेव मिरर। इसकी और भी सब खासियत है वो लेक्चर आपको पता होगा ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इससे जो इमेज बनता है, किससे बनता है इमेज, कॉनकेव मिरर से, वो कैसा बनता है वर्चुअल, वर्चुअल बनता है स्टूडेंट, और इमेज जो बनता है फिर इसके बाद इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्जर बनता है, किससे लार्जर ऑब्जेक्ट से। तो ये बताओ वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, और ऑप्शन भी दिया है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से, ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन करना क्वेश्चन को कि एक कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है स्टूडेंट वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और कैसा बनता है लार्जर बनता है, यानी कि आपका इमेज जो है रियल नहीं बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो आभासी का मतलब वर्चुअल अपरेंट, तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखो ध्यान से, जब तक एक पोजिशन पे होता है इमेज रियल बना ठीक है। मैं तो सिंपली से आपको बता देता हूं कि कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही पोजिशन है, कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही पोजीशन होता है जब आपका इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है, कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही पोजीशन है जब आपका इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है, वो कौन सा पोजीशन है, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते हो तो आपका इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और कैसा बनता है लार्जर बनता है। तो जैसा कि आप लोगों को उसमें इसको बताया गया होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो उसमें आपने बनाया होगा कि जब ऑब्जेक्ट को मैं पोल और फोकस के बीच रखता हूं तो इमेज कैसा बनता है। वहां पर जब हम डायग्राम करते हैं, डायग्राम को ड्रा करते हैं, तो इमेज हमारा वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, कैसा होता है लार्जर होता है। ओके बच्चा, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री गिवन, व्हाई शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, करें कि एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों, बीच में मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है पतला होता है, यानी कि जहां पे थिक होगा यहां पे क्या हो जाएगा थिन हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से,
कह रहा कि आबिल को मैं कहां पर रखूं, आपको पता है ये यफ होता है यफ वन, ये क्या होता है टू यफ वन, इधर क्या होता है सपोज यहां पे एफ टू, यहां पे क्या हो गया टू यफ टू। तो जब वो ऑब्जेक्ट आपका टू एफ वन पे रखा जाता है तो उसका एमएस कहां बनता है टू एफ टू पे, और सेम साइज कैसा होता है सेम साइज का होता है, ठीक है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट टू एफ वन पे रखते हैं तो उसका एमएस कहां बनता है टू एफ टू पे बनता है, आपको पता होना चाहिए। टू एफ वन पे रखने पर एमएस कहां बनता है टू एफ टू पे बनता है और सेम साइज का बनता है। तो टू एफ वन है क्या यार, फोकस का डबल है, इसका मतलब क्या हो रेडियस। तो अगर ऑप्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो गया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया होगा तो आई थिंक सही है। नहीं बच्चों दिया एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, हाँ यस, देखो करेक्ट आंसर क्या है, फोकस लेंथ का डबल। तो इसका आंसर क्या है करेक्ट वाला, इसका जो करेक्ट आंसर हो बच्चों क्या है डी, सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट, वॉट बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है बी है, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि जब आप फोकल लेंथ के डबल पर रखें, देखो यहां पर लिख रहा है ना, जब आप फोकल लेंथ के डबल पर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है, इरेक्ट नहीं होता है, इन्वर्टेड। यानी कि ऑब्जेक्ट ये होगा, इमेज कैसा होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर गिवन, क्वेश्चन नंबर फोर, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। देखो आपके पास क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है और एक क्या है स्फेरिकल लेंस है, हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू, देखो ध्यान से, एक आपके पास स्फेरिकल मिरर है, एक क्या है आपके पास स्फेरिकल मिरर है, ठीक है बच्चा बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आपके पास क्या है स्फेरिकल मिरर है और आपके पास है स्फेरिकल लेंस, ठीक है स्फेरिकल लेंस है, इनका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, और इनका भी क्या है -15 सेंटीमीटर। अच्छा क्या होगा कॉनकेव मिरर, क्या हो सकता है कॉनकेव, क्योंकि फोकल है, और ये क्या है कॉनकेव लेंस हो सकता है, वाई फोकल क्या नेगेटिव है, ये कॉनकेव मिरर, और ये क्या हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, हाँ भाई देखो कैसे हैं ये, देखो निगेटिव है ना, तो निगेटिव मतलब क्या हो गया कॉनकेव मिरर, और ये क्या है कॉनकेव लेंस है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला सही है, बोथ कॉनकेव, बोथ कॉनकेव, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोग नोट करते भी चलिए, ठीक है नोट करते चलिए भाई, नोट करते चलिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को ना, अभी देखिएगा कितना मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली बाई लाइकली टू बी। भाई देखो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, करें कि आपके पास आपका जो इमेज है वो हमेशा कैसा बनता है इरेक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा इमेज कैसा बनता है इरेक्ट बनता है, और ये डिपेंड नहीं करता है, नो मैटर ये मैटर नहीं करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे हो कैसे रखे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है यहां पे ऑब्जेक्ट को रखने का कोई मतलब नहीं है, हमेशा इमेज कैसा बनता है इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो किसमें पॉसिबल होता है मैं आपको बता दूंगा, प्लेन लेंस, प्लेन होगा अगर आपका क्या हो जाएगा प्लेन, प्लेन में भी होगा, और बच्चों किसमें होता है कॉनवेक्स,
क्या कहना है, कॉन्वेक्स में भी होता है, किसमें होता है, कन्वेक्स में, तो प्लेन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लेन एंड कन्वेक्स। तो प्लेन और कन्वेक्स जो होता है इसमें आपके ऑब्जेक्ट पे कोई मैटर नहीं करता, हमेशा इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है ना। पर ध्यान देना भैया, यहां पे लेंस मत करिएगा, क्योंकि लेंस में हमेशा नहीं होता है, लेंस में नहीं होता, मिरर में हमेशा होता है, मिरर में हमेशा होता है, बट लेंस में हमेशा नहीं होता है, लेंस में एक ही बार होता है ऐसा, ठीक है ना, क्लियर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स को बहुत ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। कह रहा है कि अगर आपको डिक्शनरी के लेटर को पढ़ना है तो आप किस लेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे या किसको प्रिफर करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, देखो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ दिस नॉट, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ नो, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है सी वाला, ठीक है। अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखो फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव नहीं यूज करेंगे। अब एक और था, उसका कितना था, 50 सेंटीमीटर था आपके पास, क्या था, एक और दिया था, लेकिन बस बात ये फंस रहा था वहां पे मैटर कि उसका जो फोकल लेंथ था कितना था, 50 सेंटीमीटर था। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि वो हमारे एक होता है डिस्ट्रिक्ट विजन, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम आपको, ह्यूमन आई जो आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई में क्या होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर ज्यादा होता है, लेकिन क्या 25 से कम है, तो इसलिए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन, बहुत ध्यान देखिएगा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। आपके पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, और उससे क्या करना है, आपको इमेज चाहिए, कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, ठीक है। अच्छा बस एक ही दिमाग में आया, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आ गया, बस ध्यान दो मिरर कैसा है, कॉनकेव है, कैसा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज चाहिए आपको, इरेक्ट। तो पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भैया एक ही में दिखता है ना, इरेक्ट कब लिखता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये रेंज है, ये क्या हो गया, रेंज, ठीक है। ओरिजिन से जो पोल होगा और फोकस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेक्ट। अब इसका डायग्राम खींचना भाई, डायग्राम ब्रिंग गली बनाओ खींच दे, ये आपका हो गया पोल, ये क्या हो गया, फोकस सेंटर, जल्दी से रखो यहां पे, ये देखो ऑब्जेक्ट, ये गया पैरल गया, कहां से टकराया, कहां से निकला भाई, फोकस से निकाल दो, नहीं निकल रहा जबरदस्ती निकालो, बट निकलेगा ना, अब एक सेंटर से गया, अब ऐसे जाएगा, ऐसे फिर वापस हो जाएगा, ऐसे गया फिर ऐसे, इनको पीछे मिलाओ और ऐसे देखो, क्या देखो, क्या बात है बन गया, ठीक है। अच्छा नेचर कैसा है इमेज का बताओ, नेचर
कैसा है? वर्चुअल, वर्चुअल है ठीक है। और बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर बहुत बड़ी बात है। बिहाइंड द मिरर ठीक है मेरे बच्चा लोग, तुम्हें तो समझ में आया होगा। तो क्या करिए, जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, जल्दी से इसको भी क्या करिए छाप लीजिए, और हम देखते हैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन। इसको भी क्या करिए छापे जल्दी से, फिर देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन ठीक है। ओके छाप लिए होगे, पॉज कर दिया करिए आप लोग वीडियो को, इसके बाद छाप लिया करिए ठीक है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉज कर लिया करिए, छाप लिया करिए, पॉज करके छाप लिया करिए, या तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। पास लेके जगह से क्या है बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या किया करें स्क्रीन शॉट भी आप लोग ले सकते हैं ठीक है। एट क्वेश्चन नंबर एट क्या है, क्वेश्चन नंबर एट क्या है वो ध्यान देखिए। नेम ऑफ द टाइप ऑफ अ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ कार, मेरे भैया हेडलाइट ऑफ कार किसकी बात कर रहा है? हेडलाइट याद रख लो, हेडलाइट में हमेशा क्या यूज होता है? कॉनकेव होता है ठीक है। सेकंड कह रहा है साइड या रियर व्यू मिरर। ओहो साइड यानी कि आप जब गाड़ी चलाते हो कि बगल में रखा होगा, एक लगा होगा शीशा ठीक है। शीशा क्या होता है? एक बगल में लगा रहता है, ऐसा देखते हैं ना पीछे वाले, पीछे वाले के बारे में जानते हैं ना लोग, देखते ना पीछे का स्क्रीन आगे, हाँ तो वही है साइड या फिर रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर तो मेरे बच्चा इसमें क्या होता है? कन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज होता है? कन्वेक्स मिरर ठीक है। पीछे के दृश्य के बारे में देखने के लिए किसका यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर के बारे में। और एक है सोलर फर्नेस, भट्टी के बारे में ये आ गया सोलर फर्नेस। अगर आपको सोलर फर्नेस में यूज करना है आप लगा दीजिए कौन के मिरर, कौन के मिरर, यानी कि फिलहाल ये सब एनसीईआरटी बुक में आपको बताया हुआ है यूज। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो उससे पढ़ लीजिए, वैसे भी पढ़ने की जरूरत, मैं आपको बता ही दिया। हेडलाइट में क्या यूज होता है? कौन के मिरर। साइड या रियर व्यू मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और सोलर फर्नेस में क्या होता है? कौन के मिरर। मुझे लगता है समझ में आया होगा, ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत काम देगा ठीक है। सो लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके कर वन हाफ द ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैंक पेपर। ध्यान दो भैया, देखो ये आपके पास एक क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। अरे कैसे भी बनाओ अच्छा से, मतलब समझ में तो आ रहा है ना, नहीं बहुत ब्यूटी पे ना जाओ ठीक है, ब्यूटी पे ना जाओ, अच्छा अच्छा बोर्ड हो इससे कोई मतलब नहीं होता, बस आपको अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छे बोर्ड से नहीं मतलब होता है, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट से मतलब रखिए, और जिस दिन ये सीख लिए उस दिन आप लोग बहुत महान बन जाओगे। सो फोकस ऑन द बेटर कॉन्सेप्ट नॉट द बेटर बोर्ड ठीक है। ये आपके पास एक लेंस है, क्वेश्चन कहता है कि अगर इसको मैं ढक दूं एक तरफ का, देखो ये पूरा इतना कलर कर दिया जाए, फिर पॉलिश कर दे इसको भी ढक दे, तो क्या इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा? या देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, वन हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? योर आंसर इज यस। कह रहा है क्या ये कंप्लीट इमेज बना पाएगा? यस, कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज विथ फॉर्म, बनेगा भाई पूरा इमेज, बना के दिखा दे रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, बना के दिखाते हैं ना, जब बना के दिखाएंगे तब आपको तो बिलीव होगा। हाँ बिलीव होगा, वैसे आप भी लोग टेंथ में हो ना तो थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा आपको। ये देखो ऐसे गया, अब मुझे नहीं पता कहां पे रखा है, आपको इतना पता होगा। ये देखो ये 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 देखो लो बन गया, इसका काम काम ही आया
बस एक रीजन होता है, एक फर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या होता है? पहले ज्यादा लाइट जा रहा था, लाइट क्या था पहले ज्यादा जा रहा था, लेकिन अब लाइट क्या होगा वो कम जाएगा। तो जब लाइट कम जाएगा तो इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, चमक कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है इंटेंसिटी क्या हो जाएगा इमेज का, डिक्रीज कर जाएगा। इमेज की जो इंटेंसिटी होगी बच्चा लोग वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है समझ में ये भी क्वेश्चन क्या हो गया होगा, क्लिक कर गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आ गई। अब हो सकता है आप लोग कुछ बढ़िया में क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है। हाँ आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 10। करा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो बच्चों मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट के लेंथ को, ऑब्जेक्ट के लेंथ को मैं शो करूंगा ओ से, और इमेज के लेंथ को शो करूंगा आई से, ठीक है। तो एक आपका ऑब्जेक्ट है, एक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब है तो उसका लेंथ कितना दिया है, ऑब्जेक्ट का लेंथ 5 सेंटीमीटर, और कितने डिस्टेंस पर रखा गया है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से क्या होता है, निगेटिव होता है। और जो लेंस है, लेंस का फोकल लेंथ भाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। करेक्ट, ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। इमेज के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए, इसके बाद फिर आप कुछ करिए। इमेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो पहले, इमेज के बारे में क्या कर दो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद, यानी कि इमेज कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा, जब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो ड्रॉइंग से क्या कर दो, रे डायग्राम ड्रा कर दो, तो बहुत आसान काम होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। चलो पहले वी निकालो, पहले क्या निकालो, वी निकालो। तो बाय फार्मूला वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। किसके लिए होता है ये, मिरर के लिए, बट ये है क्या, बट ये है क्या, लेंस है। तो वन अपान एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, वन अपान वी माइनस वन अपान यू, ठीक है। ये किसके लिए होता है भैया, ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए, मिरर में प्लस हो जाता है। तो एफ कितना गिवन है, 10, वन अपान 10, वन अपान वी माइनस यू माइनस 25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। वन अपॉन 10 इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन 25, इधर लगा क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन अपॉन 25 इज इक्वल टू वन अपॉन वी। अब देखो कभी भी आप एलसीएम मत लो, अगर मेरे स्टूडेंट हो, मेरी बात मानते हो, तो कभी भी रे आप इसके क्वेश्चन में, कभी भी लाइट के क्वेश्चन में आप कभी एलसीएम मत लिया करो यार, सीधे मल्टीप्लाई करा लिया करो, ठीक है। तो 10 × 25 कर दो, 10 से 10 का खात्मा कर दो, 25 आ गया, माइनस इसका खत्म हो गया 10, वन अपॉन यहां पे कितना है 15 × 10 × 25 इज इक्वल टू वन अपॉन बी। तो भाई 5 से कैंसिल करो, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, तो वी का भी कितना आ गया 15/3 सेंटीमीटर। तो वी कितना आ गया 15/3 सेंटीमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं कि और भी डेसिमल में भी कैंसिल कर सकते हैं, बट मुझे लगता है सुपर ज्यादा एडवांटेज फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इमेज जो होगा वो कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। तो थोड़ा समझाते हैं इमेज के बारे में, इमेज कैसा बन रहा होगा। देखो पॉजिटिव आया है ना, इसका मतलब बिहाइंड द लेंस, इमेज क्या रहा होगा, बिहाइंड द लेंस। अब थोड़ा साइज पे बात कर लेते हैं, साइज पे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने फार्मूला चमकाया होगा दिमाग में अपने आज से नहीं बहुत दिन से, फ्रॉम, अगर इमेज के हाइट की बात कर दे या फिर ऑब्जेक्ट के हाइट की बात कर दे, तो लगा दिया कोई बच्चा वाला फार्मूला, आई अपान ओ कल टू वी अपान यू। ओ कितना है 5, ऊपर रहता है प्लस रहता है, वी कितना है 50/3, ओ कितना भैया 25 माइनस 25, देखो यहां पर माइनस रखा है, माइनस रख दिया 25 टू सा
25 25 25 50. सो आई अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, भेज दो यहाँ पे, आई कट गया, 5 को 10 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये रहा, यानी कि इमेज देखो निगेटिव आया है, तो निगेटिव है इसका मतलब इमेज ऐसे बन रहा होगा, ये क्या है, इनवर्टेड है, कैसा इमेज है स्टूडेंट, ये इनवर्टेड इमेज है, ठीक है, कैसा इमेज है ये, इनवर्टेड इमेज है, तो जो कि आपको समझ में आया होगा, इनवर्टेड इमेज है, कैसा इमेज है, इनवर्टेड। अब इसका मैं फिगर थोड़ा बना के दिखा देता हूं, देखो ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, इसका फोकस 10 सेंटीमीटर हो गया, यहां पे 10 सेंटीमीटर फोकस हो गया, कहां पर रखा है, 25 पे, मतलब फोकस से बाहर रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, रेजर पैरेलल जा रही है और ये ऐसे गया, और फिर देखो एक ऐसे सेंटर से निकाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पे तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, देखिए जो इमेज का डिस्टेंस आया वो कितना आया है, 50 अपॉन 3, तो यानी कि 16.67 सेंटीमीटर, तो ये ए बी, ए डैश बी, देखो रियल भी बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, बिहाइंड द लेंस तो है, ठीक है, इन्वर्टेड है, और कैसा ये रियल, यहां पे तीर खींचना मत भूलना, तीर खींचना मत भूलना, अगर तीर खींचना भूल गए ना तो आप जान नहीं पाओगे हमारा रेंज कहां से कैसे जा रही है, ठीक है, तो मुझे लगता है आई थिंक समझ में आया होगा, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, ठीक है, तो क्या करना, मैंने क्या किया भाई, यू का वैल्यू गिवन था, यफ गिवन था, मैंने वी निकाल दिया, वी कैसा आया, पॉजिटिव आया, वी के पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि इमेज इमेज क्या बन रहा होगा इस तरह, प्लस रियल बना, और साइज बुक के बारे में बात किया मैंने, तो लेंस में ये होता है आई अपॉन ओ कल टू वी अपॉन यू, तो इसको हम बंद कर देते हैं बक्से में, इसको किसमें बंद कर देते हैं, बक्से में बंद कर देते हैं, तो बहुत ही बक्सा पूरा बंद करो, कैसे खोल दिए कुछ निकल जाएगा, आई अपॉन ओ कल टू वी अपॉन यू, ठीक है, तो इमेज की हाइट आ गई, और इससे पता चल गया कि इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो पता चला निगेटिव आया, तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, इमेज हमारा कहां हो गया, नीचे, ठीक है ना, इन्वर्टेड। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, सो इरेज कर देते हैं इसको हम, क्वेश्चन नंबर 11 सुनते हैं, क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है अपॉन अ केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, देखो कॉनकेव लेंस है, कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और उसका फोकल गिवन है 15 सेंटीमीटर नेगेटिव होगा, और जो इमेज बनाता है ना, आप तो सुने होंगे कि कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनता है वो इस तरफ बनता है, इस तरफ, तो निगेटिव तो होगा, तो इमेज क्या होगा, निगेटिव हो गया, और इसकी जो लेंथ दिया है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहे हैं यू बताओ, क्या बताओ, यू बताओ, ड्रा द रे डायग्राम, ड्रा द रे डायग्राम, ठीक है, आप लोग यू निकालने के लिए क्या करते हो, अप्लाई करो फॉर्मूला 1 अपॉन v - 1 अपॉन u, तो यहां पे -1/15 आ गया, ये -1/10 - 1/u, नेगेटिव उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव -1/15 + 1/10 = -1/10, तो बच्चा लोग क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद u = 2 आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, u = 2 कितना आएगा -30 सेंटीमीटर, u = 2 कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। अब बात आता है डायग्राम ड्रा करो, तो डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, देखो ये मैंने क्या बनाया, ये देखो मैंने बना दिया, ठीक है, चलो कॉनकेव लेंस हो गया भैया, इसका फोकस हो गया, यहां पे फोकस हमारा कहां था, यहां पे था 15,
यहां से यहां तक कितना है माइनस 15 सेंटीमीटर, दिमाग में चल रहा होगा। लेंथ हो गया ये कितना हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर, बहुत जाता हूं ठीक, कॉर्नर में ना थोड़ा हो जाता है, 15 सेंटीमीटर हो गया। और आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, 30 पे, डबल पे है यहां पे होगा, यहां कहीं पे हो सकता है आपका। ये देखो भाई मेरे मुन्ना ये हो गया, ये भी कितना 15 ही है, कैसे पता चला क्योंकि 30 का पता ना। और हमारे देखो यहां से एक रेखा पॉइंट है पैरेलल ऐसे हो गई ठीक है, तो ये पास करेगी, फोकस हमारा कहां पे था 15 पर, तो ऐसे कुछ करके पास करते हैं। अब ये कहां गया ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया, तो इमेज यही बना दिया, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। देखो ये कितनी आसानी से बना दिया ना, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे जितना आएगा मजा आ जाएगा, बस आप क्या करिए प्रैक्टिस करना सीख जाओ। अगर आपको प्रैक्टिस करना आ गया कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करना सीखो भाई। इमेज फॉर्मेशन सबसे कठिन काम होता है, जिसको ये इमेज बनाना आ गया लाइट का वो भगवान हो जाता है ठीक है। सो प्लीज बहुत ध्यान समझा करो ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपने नोट नहीं किया इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 मिरर से है ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। भैया कन्वेक्स मिरर है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, नेगेटिव हमेशा होता है 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कन्वेक्स इसका मतलब प्लस होगा 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, भाई इमेज कहां बन रहा है वो बताओ वी के बारे में, तो इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, आपसे सीधे वी पूछ रहा है, तो कुछ करना क्या है भाई। आपको पता है मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v = 1/v + 1/u, यहां पर मैं राइट कर दे रहा हूं बाई मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, और बक्स में बंद करके प्यास सॉल्व कर लीजिएगा और प्यास इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सो ओके इरेज कर दे रहे हैं, कितना छोटा क्वेश्चन था, 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन, ठीक है इसका मतलब क्या है। देखो भाई प्लेन मिरर है, आपको पता है यंग इक्वल टू क्या होता है आई अपान हो, ये 1 है, 1 इक्वल टू क्या आई अपान हो, आई इक्वल टू हो, यानी कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिमाग में रख लो दिमाग में सेव कर लो भाई, कि अगर आपका मैग्निफिकेशन वन आ रहा है सेम साइज का होगा, इमेज की साइज जो होगी ऑब्जेक्ट साइज की इक्वल होगी, मैग्निफिकेशन वन सेम साइज, साइज में कोई फर्क है नहीं पड़ेगा ओके स्टूडेंट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आई एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 जैसे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14 है बिल्कुल किसकी तरह है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल जस्ट 10 की तरह है, बस फर्क ये है ये मिरर है और ये क्या है लेंस है। फॉर्मूला क्या होगा, 1/f = इसके लिए हो जाता 1/v + 1/u, और इसके लिए क्या था 1/f = 1/v - 1/u, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है i/o = -v/u, यहां पे i/o = v/u, बस इतना ही फर्क होता है। और मैं 100% गारंटी लेता हूं अगर आप उसी की तरह सॉल्व करेंगे, बस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान देना, लेंस में ये होता है मिरर में ये होता है, लेंस में ये होता है मैग्निफिकेशन का और मिरर में ये होता है, अगर इसी को स्टार्ट करते चलेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, मैं गारंटी लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी क्या करिएगा सेल्फ सॉल्व ठीक है, खुद सॉल्व करो, क्योंकि इसके पहले मैं ट्रेन की तरह करवा चुका हूं, बस साइन का मैटर है
यहाँ पे किसका मैटर है, सिर्फ साइन का मैटर है, आप लोग साइन को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं ना, बहुत कुछ करना आता आप लोग को, बस करते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया और मैं फिर बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या करिएगा, कर लीजिएगा, 15 भी करिएगा, ट्राई करिएगा, प्रयास करिएगा, नहीं आता फिर मैं तो हूं जिंदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं सॉल्व करता, देखो न्यू टाइप है, कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर माइनस 2.0 डायरेक्टर। देखो समझो ध्यान से, पावर इसका फील होना चाहिए आपके पास, पावर का मतलब क्या होता है, बट आप मैं समझा नहीं सकता बिकॉज ये न्यूमेरिकल क्लास है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस जो दिया है वो कितना है, माइनस 2.0 डायरेक्टर, ये लेंस की पावर है। कर लेंस का नेचर बताओ भाई, नेचर कैसा होगा, देखो जब किसी भी लेंस का याद कर लो दिमाग में, अगर आपने नहीं सीखा अभी तक, अगर आपने नहीं सीखा है तो सीख लो कि नेचर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, फोकल नेगेटिव या फिर पावर नेगेटिव, तो कैसा हो जाएगा, कॉनकेव, क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव नेचर आ गया, कॉनकेव हो गया लेंस, लेंस में ही होता है पावर। ठीक है, फोकस निकालना है तो फॉर्मूला हमारा होता है पी इक्वल टू 100 अपॉन एफ, प्यास लगा दो माइनस 2.0 इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ, यहाँ पे 15 आ गया, एफ इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 15 सेंटीमीटर, फोकल कितना आ गया, फोकल कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता समझ में आया होगा, फोकल कितना आ गया, माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेट्स इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्वेल्थ में भी कुछ आप लोगों को मिलेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायरेक्टर। कुछ नहीं, डॉक्टर साहब है वो कहते हैं कि जो लेंस लगाना है आपको उसकी पावर क्या होना चाहिए, प्लस 1.5 डायरेक्टर होना चाहिए। इसका फोकल देखो, ये कन्वेक्स हो गया, मुझे पता चल गया कैसा लेंस होगा, कन्वेक्स, कैसे जान पाए, प्लस है। अब फोकल लेंथ कितना होगा, तो आपको पता है पी कल्ट होता है 100 अपॉन एफ, पावर 1.5, 100 अपॉन एफ अपॉन 10 कर दें, 5 3 15 20, तो एपिकल्ट कितना गया बच्चा, 200/3, ये है आपका फोकल। ऐसे कुछ ये क्या है, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग है, ये क्या है, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ये लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, और कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों ये था हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और जल्दी आप लोगों को एक दिन के बाद आपसे हम सॉल्व करेंगे, नए टॉपिक पे बात करेंगे, कलर फॉरवर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं लास्ट में फिर कहता हूँ कि ये वीडियो अपने दोस्त इन सब के पास क्या करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जितना हो पाए आप क्या करिए, शेयर करिए और प्यार देते रहिए, और नए नए अपडेट आपको मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैनल पर। ओके, सो लेट, थैंक यू।